हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। बच्चों, पहले वाला पार्ट हमारा सुपर 30 सेशंस था, आज भी सुपर 30 सेशन है। अब तो आप कहेंगे कि वहाँ पे 15 क्वेश्चन हुए थे, नाम उसका सुपर 30, इसका भी सुपर 30। तो हमने कुछ कुछ लॉजिक लगाया, बता देती हूँ क्या। वो काफ़ी लेंदी जा रहा था और 15 क्वेश्चंस हमने वहाँ ख़त्म किए थे, 15 क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। यानी दैट वाज द सुपर 30 पार्ट 1 और दिस इज सुपर 30 पार्ट 2। ठीक है, वो सुपर 30 पार्ट 1 था और दिस इज सुपर 30 पार्ट 2। 15 वहाँ, 15 यहाँ, हो गए 30। संतुष्टि हो गई कैडेट्स को हमारे। लाइन्स चाहिए, नहीं याद है क्या करूं, सोचूं। चलो सोचते हैं, टाइम तो दो। नहीं याद आ रही। चलो बच्चों, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, बहुत अच्छी लाइंस थी, बहुत अच्छा मोटिवेट। कलाम साहब की पर्सनालिटी, उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मोटिवेट करता है। उन्हीं की लाइन है कि सपना वो नहीं है जो आपको सोते हुए आता है, सपना वो नहीं है जो आपको सोते हुए आता है, सपना वो है जो आप खुली आंखों से देखते हैं और आपको सोने नहीं देता है। यानी ऐसे तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, नींद में तो अक्सर सपने आते हैं, लेकिन असली सपना कौन सा है आपका? असली सपना वही है जो आपको सोने ना दे, खुली आँखों से आए और सोने ना दे। आप उसे पाने के लिए इतने पैशनेट हो जाओ कि कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। ठीक है, सपना क्या है? खुली आंखों से आपका MNS सपना, MNS एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना, आपका वही खुली आंखों वाला सपना होना चाहिए। NDA एस्पिरेंट्स का NDA क्लियर करने का सपना खुली आंखों वाला सपना होना चाहिए, जिसके आगे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हर बार कहते हैं जीतेंगे या सीखेंगे, आज फिर कुछ सीखेंगे इस सेशन में, सुपर 30 पार्ट 2 में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सीखेंगे। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी 15 जो रिमेनिंग थे वो करके, दोनों को ऐड करके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे कैडेट्स के हमारे। फिर से बच्चों, 50 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तो याद हो जाना चाहिए, बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 50 का टारगेट वहाँ, 50 का टारगेट यहाँ। हार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ट तक पहुँचाओ, हम तो कम में ही खुश होने वाले। देखो 50 बड़ी बात है, नहीं ना 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 ना, ना। एक एक बच्चा शेयर कर दो, 50 यू हो जाएंगे चुटकियों में। चलो ठीक है ना कैडेट्स, खुली आंखों वाला सपना। NDA क्या है? खुली आंखों वाला सपना। MNS क्या है? खुली आंखों वाला सपना। और ये सपना आजकल तो रोज़ आना चाहिए, हॉल टिकट्स हाथ में हैं और जिनके नहीं है उन्हें मिलने वाले हैं, यानी MNS एस्पिरेंट्स को। ओके, क्वेश्चंस में आगे बढ़े, 15 थे ना पार्ट 1 में, आगे देखते हैं। आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी सोचती है मैम रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके चली आती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक लेके चली आती हैं। अरे भैया एग्ज़ाम आ गया है, बहुत लॉकडाउन एंजॉय कर लिया है, अब भी एंजॉय करना है? नहीं ना, क्वेश्चंस आ जाओ। आज का पहला क्वेश्चन जो आने वाला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। और रुपये कितने कितने रुपये लेके लिए? सेलेक्शन के लिए रुपए तो बहुत आएंगे, सेलेक्शन तो होने दो। चलो आगे बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व नहीं है, Not involved in immune response? ठीक है, देख लो, thymus gland क्या थी? टी lymphocytes का maturation कहाँ हो रहा था? thymus gland। आप फटाफट immunity वाले video नहीं देखे, वापस जाओ देख के आओ। thymus, दो हमारे lymphocytes थी ना, lymphocytes कितने type की थी? दो, B और T। बी वाली कहाँ मैच्योर हो रही थी? बोन मैरो में। टी वाली थाइमस ग्लैंड में, यानी थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी से बिल्कुल रिलेटेड है।
फिर है बी ऑप्शन हमारा ब्रेन। ब्रेन का इम्यूनिटी से कोई काम है? नो। यानी आंसर क्या हो गया हमारा यहीं पे ब्रेन। लेकिन क्या यहीं से सेटिस्फाई हो जाए? बिंगो तो कर दिया हमने। नहीं, दो ऑप्शन बचे हुए भी देखने हैं। तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? स्प्लीन। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है। लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारा, ठीक है, ये भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लिम्फ नोड्स तो भैया लिम्फोसाइट्स की जननी जन्मभूमि। लिम्फॉइड लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड्स लिम्फोसाइट्स हमारी स्टोर होते हैं लिम्फ नोड्स में। यानी लिम्फॉइड नोड्स भी लिम्फ नोड्स भी सारे आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। जो एक नहीं था वो क्या था? बिंगो वाला यानी बी ऑप्शन ब्रेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक इज द टर्मरिक पाउडर ऑब्टेंड? यानी टर्मरिक के किस पार्ट से टर्मरिक पाउडर बनाया जाता है? बच्चों टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या है हमारी? मॉडिफाइड स्टेम है। तो या तो आपका वो पार्ट पूछा जाए डायरेक्ट कौन सा मॉडिफिकेशन स्टेम का, या फिर ये पूछा जा सकता है कि टर्मरिक इज आइदर रूट और स्टेम। तो टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम और इसका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? वी यूज राइजोम। हम क्या यूज करते हैं? राइजोम का यूज करते हैं। टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम, हम इसको राइजोम इसका यूज करते हैं और राइजोम को ड्राई करके हम उसी का पाउडर बनाते हैं। यानी हमने अल्टीमेटली क्या यूज किया? राइजोम। और टर्मरिक क्या है हमारी? मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। ऑप्शंस देखें क्या क्या दिए हुए थे। ड्राइड राइजोम अल्फा पहले ही वाला सही था। दूसरा ड्राइड रूट, ना भाई स्टेम की बात हो रही है। ड्राइड फ्रूट, नो वी आर यूजिंग राइजोम से हेयर स्टेम है जो कि। और सीड, ना ये भी गलत। यानी बाकी के सारे गलत, पहला ही वाला सही था। दैट इज ड्राइड राइजोम, राइजोम है और दैट इज मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या है हमारा? स्टेम का मॉडिफिकेशन। चलो नेक्स्ट वाले आ जाओ। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेज नेवर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन एनी हेल्दी इंडिविजुअल? यानी इनमें से नेवर एक्सक्रीटेड कौन सा कभी बाहर नहीं निकलता बॉडी से? यूरिया, सोडियम, अमीनो एसिड, पोटेशियम। देखो बच्चों यूरिया, वी आर यूरियोटेलिक्स। हमारी यूरिन में क्या होता है? यूरिया निकलते हैं हम बेसिकली, तो हम क्या है? यूरियोटेलिक्स हैं। क्यों? क्योंकि हम यूरिया के एक्सक्रीशन करते हैं, तो वी आर नोन एज यूरियोटेलिक्स, ठीक है। हम क्या है? यूरियोटेलिक्स हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली यूरिया का एक्सक्रीशन बॉडी से कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिन, तो ये तो निकलेगा ही। बी वाला ऑप्शन कह रहा है सोडियम। जब हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है ना, तो हम कब इसको भी एक्सक्रीट कर देते हैं। यानी कुछ अमाउंट हमारी यूरिन में सोडियम का भी होता है। डी वाला देख लो पहले, अमीनो एसिड की भी बात करते हैं। डी वाला पोटेशियम, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी निकाल दिया जाता है। बचता क्या? अमीनो एसिड। ये कभी नहीं बाहर जाता। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ये प्रोटीन का मोनोमर होते हैं। अमीनो एसिड और प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी हमारी यूरिन से बाहर पास आउट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो फोर्थ देखो फटाफट। विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी? बिगेस्ट बेबी की बात हो रही है। अच्छा बिगेस्ट बेबी किसका होगा? जो बिगेस्ट एनिमल होगा उसी का तो बेबी बिगेस्ट होगा। और बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? दैट इज व्हेल, ठीक है। बिगेस्ट एनिमल क्या है हमारा? वेल। अब देखो एक स्टैटिक जीके भी तैयार हो गया, सुपरलेटिव्स वेल। बिगेस्ट एनिमल कौन सा है बच्चों? हमारा वेल। और लैंड पे पूछा जाए ना कि लैंड पे विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल, तो दैट इज़ एलिफेंट। यानी लैंड पर धरती पे पाया जाने वाला बिगेस्ट एनिमल तो दैट इज़ एलिफेंट, और ओवरऑल वेल। और वेल बिगेस्ट एनिमल है तो इसी का बिगेस्ट बेबी होगा, आंसर भी यही होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। एलिफेंट नहीं, राइनोसेरस नहीं, ब्लू वेल ऑफकोर्स, बिंगो आंसर सही मिल गया हमें।
हिप्पोपोटामस देखने में बड़ा होता है लेकिन उससे बड़ी वेल है। ठीक है चलो, कितने सही हुए हैं अभी तक, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। 50 लाइक का टारगेट पूरा करना है, 50 लाइक्स, आई नीड एनी हाउ, वी आर डूइंग सच अ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ हार्ट वर्क कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो हमारे हार्ट का वर्क आपके हार्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं, प्लीज़ टेल अस। और अगर ऐसे ही सेशंस आपको और चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन। मसल्स ऑफ विच वन विच, फिर से देखो, मसल्स ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बॉडी पार्ट की मसल्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती हैं। चलो ऑप्शन देख लो, फेस, दूसरा क्या है हमारा, आर्म्स, तीसरा क्या है, इंटेस्टाइन, और डी वाला है लेग्स। चलो देखो एक एक करके देखते हैं। फेस, हंस दिया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब हो गया, टाइम लगा नहीं ना, फेस तो नहीं हुआ। आर्म्स, बच्चों बचपन में पनिशमेंट मिलती थी ना, रेज योर हैंड्स, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, दर्द होता था, थोड़ी देर में दर्द हो जाता था। यानी इनमें फटाफट तो हाथ ऊपर किए लेकिन दर्द भी उतना ही फटाफट हुआ। तो ये क्या है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन तो तुरंत हो रहा है आर्म्स में लेकिन ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह पा रही हैं, ये भी नहीं। इंटेस्टाइन, यहाँ तो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती थी बच्चों, मसल्स हमारी दो तरीके की होती थी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती थी, जिनका फंक्शन हम कंट्रोल करते थे, और इनवॉलेंट्री जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं था। तो इंटेस्टाइन तो विसरल ऑर्गन है हमारा, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी ये भी नहीं रहा। आंसर क्या हुआ हमारा, लेग्स। तो लेग्स में जो मसल्स होती हैं ये धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेकिन इनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक रहता है। पांच क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट और वी विल बी राइट बैक विद अनदर। कितने क्वेश्चन सही हुए, पांच में से, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू माय कैडेट्स। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेड वाटर से कॉज नहीं होता है। ऑप्शंस देख लो, डिसेंट्री, डिसेंट्री, जॉइंडिस, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों अधिकतर इनमें से क्या है हमारी, बैक्टीरियल डिजीज। अधिकतर क्यों कह रहे हैं, जॉइंडिस नहीं है बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, डिसेंट्री वगैरह। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का ट्रांसमिट होने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसमिटेड वाटर, सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसमिटेड वाटर। तो क्या बचा, जॉइंडिस। ठीक है, ये आपका वाटर से नहीं फैलेगा। क्यों बच्चों, बैक्टीरिया आपके पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन कर देते हैं वाटर को, पॉल्यूटेड कर देते हैं, और दे आर वेरी इजीली ट्रांसमिटेड बाय वाटर। गंदे वाटर से बहुत इजीली ट्रांसमिटेड होते हैं, इस वजह से ये सारी हमारी क्या थी, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होने वाली डिजीजेस थी। चलो हो गया, आगे देखें, सही हो रहे हैं क्वेश्चन फटाफट। कॉमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू मेरे बच्चा पार्टी। फिर से बता दूं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस इन आर लाइव सेशंस दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर MNS 2020, तो आपको नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पहले कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, जहाँ से चाहिए वहाँ से नंबर ले लो। एंड वी आर वेलकमिंग यू, स्टडी मंत्रा इज़ वेलकमिंग यू। आ जाओ, आ जाओ, जितने ज़्यादा आ सकते हो आ जाओ, लेकिन लाइक का टारगेट भूलना मत, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके आगे बढ़े, आगे कह रहे बच्चा, विच अमंग फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ मैमल, नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा मैमल
नहीं है, नॉट अ मैमल, ठीक है, इनमें से कौन सा मैमल नहीं है? देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहला ऑप्शन बच्चा पार्टी क्या है हमारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बच्चों ये होता है हमारा मैमल ही है हमारा, ठीक है, दिस इज अ मैमल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैमल है हमारा, बैट है ये, मैमल है ये, बैट भी मैमल है ना, फ्लाइंग मैमल कौन सा है, बैट है, मैमल है, ठीक है। और ऐसे मैमल जो पानी में रहते हैं, डॉल्फिन्स और वेल्स, तो मैमल सिर्फ ऑन लैंड ही नहीं पाए जाते, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, दे आर एग्जाम्पल्स आर, वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स विच आर फाउंड इन वाटर, वेल एंड डॉल्फिन, और बैट हमारा फ्लाइंग मैमल है, ठीक है। ओके, बी वाला ऑप्शन है आपका घड़ियाल, बच्चा पार्टी घड़ियाल क्या है, घड़ियाल इज अ रेप्टाइल, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये क्या है हमारे रेप्टाइल्स हैं, तो ये मैमल नहीं हुए, यानी बिंगो आंसर मिल गया है बी वाला, हमारा घड़ियाल क्या है, रेप्टाइल, एंड दिस इज नॉट अ मैमल। सी वाला देख लें क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है ये ऑप्शन, प्लैटिपस, बच्चा डकबिल प्लैटिपस इज अ एग लेइंग मैमल, ये क्या है, एग लेइंग मैमल है, और ये भी एक मैमल है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, ठीक है। बाकी मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, दैट दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, वो बेबीज को बर्थ देते हैं, लेकिन हमारा प्लैटिपस क्या है, डकबिल प्लैटिपस क्या है, दैट इज अ एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल है, ठीक है, ये हमारा लोअर मैमल में आता है, पहले के मैमल में आता है, दैट इज एग लेइंग मैमल। चलो सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तैयारी है जीत की, बिंगो, जितने बच्चे जीत के आएंगे मेरे साथ फोड़ के पेपर आएंगे, बिंगो करेंगे। चलो आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एट वाला देखते हैं, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज, मेन थिंकिंग पार्ट ब्रेन का क्या है, ऑप्शंस आर मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट क्या है ब्रेन का, बच्चों फोर ब्रेन जो हमारा होता है, दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट, यही सा फोर ब्रेन यानी आगे का ब्रेन, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम दो अलग अलग चीज हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, सेरिब्रम ज्यादातर काम करता है थिंकिंग का, फोर ब्रेन में आता है, ठीक है, तो मेन थिंकिंग पार्ट किसका हो गया, फोर ब्रेन का, सेरिब्रम, इसकी जगह आपको सेरिब्रम दिया जाए तो वो भी आप लिखोगे, सेरिब्रम कैन बी प्रेजेंट इन योर ऑप्शन, सेरिब्रम हो सकता है, तो दोनों ही सही हैं, और सेरिबेलम होता है ये, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, ओके, सेरिबेलम का काम क्या होता है, बॉडी को बैलेंस करने का। अच्छा बच्चों देखा होगा जो ड्रंकर्स होते हैं हमारे, वो अधिकतर क्या करते हैं, नालियों में धुत पड़े रहते हैं, देखा है, बहुत जनरल सी बात है, जो ड्रंकर्स हैं नालियों में धुत, कोई होश ही नहीं है। अल्कोहल क्या करता है, हमारे सेरिबेलम को डिस्टर्ब करता है, उसको क्या करता है, घटाता है उसके फंक्शन को, उसको हार्म करता है, तो जो ड्रंकर्स होते हैं अल्कोहल की वजह से सेरिबेलम इज हार्म, सेरिबेलम को हार्म करते हैं, और वो नालियों में धुत पड़े रहते हैं बिना किसी होशो हवास के, ठीक है, हमें नहीं पहुंचना वहाँ पे, ठीक है, जो शाही रखना है हमें, कहाँ पहुंचना है, MNS क्लियर करके इंडियन आर्मी, वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, तो जोश हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है, जोश कैसा है फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको ये सेशंस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आपका हमेशा से इंतज़ार करता है। आगे बढ़ें, एट्थ क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन्स पर ये रहा, क्या जाता है ये भी सी खेलने में, अगर मेरे बच्चा पार्टी को याद होता है तो, और पैसे भैया MNS क्वालिफाई हो जाएगा, NDA क्वालिफाई हो जाएगा, और क्या चाहिए, बहुत कमा लेंगे, अभी क्या करना है, सपना पूरा करना है, बिंगो करना है हमारे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आ जाओ भैया, स्किप मत कर देना, जिंदगी स्किप हो जाएगी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच वन अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द प्लांट सेल टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट प्लांट अपियर्स टू बी बेंट टूवर्ड्स लाइट. यानी प्लांट हॉर्मोन जो कि पेड़ को लाइट की तरफ बेंड कराने में हेल्प करता है. लाइट की तरफ क्या हो रहा है, बेंट हो रहे हैं हमारे प्लांट्स. और इसके लिए भी पूछा गया है हॉर्मोन, प्लांट हॉर्मोन. ऑक्सिन क्या होता है आंसर, ऑक्सिन. बच्चों ऑक्सिन इज अ प्लांट हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, एज वेल एज फोटोट्रॉपिज्म. अब जियोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म क्या है, प्लांट का स्टेम की टेंडेंसी होती हमेशा सनलाइट की तरफ बढ़ना. क्यों, क्योंकि पौधों को, हरे पौधों को सनलाइट की ज़रूरत होती फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, तो उनकी टेंडेंसी होती है लाइट की तरफ बढ़ना जिससे मैक्सिमम लाइट उनकी लीव्स पे पड़ सके. तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया, फोटो लाइट के सेंस कर लो फोटोट्रॉपिज्म. क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन. ऑक्सिन की वजह से वो हमेशा वहाँ पे बेंड होते हैं जहाँ पे लाइट उन्हें मिलती रहे. जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ऑक्सिन. जियोट्रॉपिज्म किस में देखा जाएगा, रूट में. अच्छा रूट की टेंडेंसी, रूट का बेसिक फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन का, सॉयल से एब्जॉर्प्शन करना फूड, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जितने भी आपके फर्टिलाइजर, जितने भी आपके एलिमेंट्स सॉयल में प्रेजेंट हैं अलॉन्ग विद वाटर, उसका एब्जॉर्प्शन. तो ये काम किसका है, हमारी रूट्स का. तो रूट अगर ज़मीन तक ठीक से पहुँचेंगे नहीं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा. प्लांट में पानी नहीं पहुँचेगा तो काम क्या, ठप हो जाएगा ना सारा, प्लांट की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली. तो इससे बचने के लिए ऑक्सिन हॉर्मोन क्या करता है, जियोट्रॉपिज्म करता है, यानी उनकी रूट्स को ज़मीन तक अंदर ले जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म. चलो टेंथ, अच्छा ऑप्शंस डिस्कस कर लें क्या, कर लें क्या, देख ही लेते हैं अब आ गए तो. आओ साइटोकाइनिन था बच्चों ए वाला, इसी में ही ए. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जिब्रेलिन भी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म नहीं करता है. एब्सिसिक एसिड कोई मतलब नहीं है, एब्सिसिक एसिड क्या होता था बता दो फटाफट. विटामिन डिजीज एस्कॉर्बिक एसिड था, एब्सिसिक एसिड नहीं था. ठीक है, कंफ्यूज मत तो होना यहाँ पे. और विटामिन सी का केमिकल नेम बहुत पूछा जाता है, वो वीडियो नहीं देखी फटाफट देखो. चलो टेंथ पे आए, कितने सही हुए अभी तक, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू वेटिंग वेटिंग. एमआरआई की बात हो रही है बच्चों, टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है एमआरआई क्या होता है, टेस्ट होता है एंड फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. यानी एमआरआई में क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके आपकी बॉडी का अंदर, यानी एक्सरे टाइप का, आप एक्सरे नहीं कहेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स हो रही हैं, एक्सरे में एक्सरेज यूज़ की जाती हैं. मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके आपकी बॉडी की पिक्चरिंग की जाती है, एक पिक्चर बनाई जाती है इंटरनल बॉडी का, उसका इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का. ठीक है, ऑर्गन्स तो क्या है इसमें, अंदर की बॉडी, जैसे एक्सरे में पिक्चर आती है हड्डियाँ हड्डियों की, बस सेम ही काम इनमें भी होता है, इमेजिंग ही की जाती है, पिक्चरिंग ही की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक रेज. ओके, इज यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस टू ऑब्टेन इमेज ऑफ अवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. दिस इज़ प्राइमरी पॉसिबल बिकॉज, प्राइमरी पॉसिबल होती है एमआरआई क्यों. अच्छा बच्चों मैग्नेटिक टेंडेंसी क्यों आती है, जब वहाँ पे चार्जेस होंगे. अच्छा मूविंग, बच्चों अब एक चीज़ याद रखोगे आपका, ये स्टेशनरी चार्ज, यानी ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है, ये प्रोड्यूस करता है आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर कोई चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपनी जगह पे रुका हुआ है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मूविंग चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज बच्चों प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी.
यानी मूविंग चार्ज क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो अब MRI में क्या यूज़ हो रहा था, मैग्नेटिक रेज, यानी यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मूविंग चार्जेस होंगे, तो वही वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारा, आवर बॉडी पजेसेस अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट है, चलते फिरते मैग्नेट से चिपक जाते हैं क्या हम? नहीं ना, गलत। MRI यूजेज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही, गलत हो गया। MRI यूजेज एन एक्सटर्नल मैग्नेट टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेट भी नहीं यूज़ करते बच्चों, तो डी वाला ही सही होगा। आयंस मोशन अलोंग नर्व सेल्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे सेल में नर्व सेल्स के अलोंग जो न्यूरल कंडक्शन होता है हमारा नर्व्स में, वहाँ पे बहुत सारे आयंस होते हैं ना, तो उन्हीं के कंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड, वो मूविंग चार्जेस हैं, उन्हीं के कंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। डी वाला सही था, स्क्रीनशॉट तो बनता है। कितने क्वेश्चन सही हुए बच्चा पार्टी? कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। और हम आ गए हैं अपने अगले सेशन के साथ, दुगने जोश के साथ और सारे क्वेश्चंस लेके, ठीक है? चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन क्या पढ़ देती हूँ, कितना लोग है स्क्रीन पे, दर्द नहीं होती आंखें स्क्रीन देखते देखते। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, सुनो ध्यान से। Which of the following statements about sexual reproduction in flowering plants are correct? यानी इनमें से कितने statements सही हैं flowering plants में sexual reproduction को लेकर? Okay, देखते हैं। Stamen is present in the center of the flower. हर बार present होता है क्या center में? Center में क्या, याद करो फटाफट हिबिस्कस का वो diagram बचपन वाला। Center में क्या होता था? Stigma style ovary, cheek cheek cheek. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। दूसरा आ जाओ, स्टेमेन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, बिल्कुल सही। स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट एंड थर पॉलन ग्रेन्स, सही, ठीक है? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ना स्टेमेन, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, सही है ना स्टेमेन। चलो थर्ड वन आ जाओ, द स्वोलन पार्ट ऑफ कार्पल इज द ओवरी, बिल्कुल सही। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ओवरी का स्वोलन नीचे वाला जिसमें ओव्यूल होते हैं, दिस इज ओवरी, बिल्कुल सही। यानी दो स्टेटमेंट सही मिल गए। चौथा देखें, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गिव अ राइज टू जाइगोट। जर्म सेल्स के फ्यूजन से क्या बनता है? जर्म सेल्स के फ्यूजन से कहीं जाइगोट बनता है? गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, गलत हो गया ना। दो ऑप्शन सही थे, दो स्टेटमेंट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अकर्स इन। कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है? अभी अभी किया है ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी लाइफ सेशन में कंप्लीट किया ना, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? बच्चा पार्टी मेरी बताएगी ये, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चा पार्टी, कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आकर इन स्टमक में। नहीं, स्टमक में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का 5% होता है डाइजेशन, बाकी मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन योर स्टमक। लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। लिवर क्या है? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटीरियल एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ये भी गलत। क्या बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज द राइट आंसर। याद करो कितने डियोडिनम, उधर इलियम जूस आर, डियोडिनम से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था, बहुत सारे एंजाइम से इंटेस्टाइनल जूस आया था, ठीक है? उधर इलियम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस से डाइजेशन करा दिया था। बच्चा पार्टी याद आया? लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, कमेंट करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ हेल्दी डाइट इज करेक्ट? हेल्दी डाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बच्चों हेल्दी डाइट क्या होती है? हेल्दी डाइट क्या होगी बेटा मेरे, बच्चा मेरे, कैडेट्स? बैलेंस्ड डाइट।
हेल्दी डाइट क्या होती है बच्चा? बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट विच इज हैविंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड फूड मटेरियल्स, यानी ऐसी डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट हो हर एक रिक्वायर्ड फूड मटेरियल का, दैट इज बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट ही क्या है? हेल्दी डाइट। तो स्टेटमेंट देखें फटाफट, चलो आ जाओ, क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, पढ़ें, तैयार हो? रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी स्नैक्स बिटवीन मील्स इज हेल्दी। भाई यार, रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी, कितनी एनर्जी लोगे, फाटे जाओगे, ये भी गलत है। हेल्दी डाइट क्या? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड ही हेल्दी डाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वही बैलेंस डाइट नहीं बना रहे। आगे आ जाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेक अ गुड चॉइस बिकॉज देयर एनर्जी कंटेंट इज हाई। नहीं, फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और ये एनर्जी देते हैं, लेकिन उतनी नहीं। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से? हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट। चलो तीसरा देखो, अ बैलेंस्ड डाइट मस्ट कंटेन प्लेंटी ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स विद लिटिल कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं भैया, सब कुछ एक एडिकेट अमाउंट में चाहिए जितना ज़रूरी है। ये बैलेंस डाइट है क्या? नहीं। आगे आओ, एन ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विद एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर फाइबर मेक्स अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बैलेंस डाइट की बात हो गई, समझ में आया? बैलेंस डाइट क्या है कि जिसमें सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स, कुछ भी हो, प्रॉपर अमाउंट में सारे हो, जितने उसी अमाउंट में हो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है हमारी? बैलेंस्ड डाइट। ओके, उदास, चलो आगे आगे बढ़े। यहाँ तो समझाना पड़ेगा मेरे लालों को, लाल नीले पीले मेरे बच्चा पार्टी। क्या कह रहा है? द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाई द क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम। सेक्स डिटरमिनेशन की बात आ गई। अच्छा, सेक्स डिटरमिनेशन वाला थोड़ा सा बाद में देखेंगे, थोड़ा सा बाद, एक क्वेश्चन का इंतजार। इसको बनाएंगे हमारा सेशन एंडिंग क्वेश्चन, और इसके पहले हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन बताना पड़ेगा भैया, इम्पॉर्टेंट है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, फाइलेरियासिस एंड टाइफॉइड। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है आपको ये बताना है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? कॉलेरा, टीबी, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड। अब भी बात की थी ना, कॉलेरा विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज हो गई। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हो रही थी ना, चलो बैक्टीरियल डिजीज। फाइलेरियासिस, लाइव सेशंस याद है मेरी बच्चा पार्टी को, वायरल डिजीज डिस्कस की थी। फाइलेरियासिस कहाँ थी? वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी जो एस्केल्मेंथीस था, यानी यही हमारी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं थी? फाइलेरियासिस। ओके, सेशन एंडिंग क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। आप किस पे आते हैं? सेशन एंडिंग क्वेश्चन पे, और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन। आओ बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमेशा से इसके लिए फीमेल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है, कौन है फिर जिम्मेदार सेक्स के लिए? सेक्स न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? आज हम देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है? हमेशा से ये इतना गंभीर मुद्दा है भारत में कि हर दूसरी फीमेल को ये झेलना ही पड़ता है। फीमेल्स को इसके लिए जो सेक्स डिटरमिनेशन है ये कराया जाता है। आपके कितने तो फिटिसाइडल केस हो जाते हैं। फिटिसाइड क्या है? बच फीटस की डेथ कर दी जाती है, उनको मर्डर कर दिया जाता है, फीटस का एबॉर्शन करा दिए जाते हैं, ठीक है? एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है भारत के लिए। अभी भी
इतनी तरक्की होने के बाद भी भारत में आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे फीमेल्स को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है बेटी पैदा होने के लिए। ठीक है, बेटी को उतना दर्जा लड़कों के बराबर नहीं मिलता है और हमेशा औरतों को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि उनकी वजह से बेटियों का जन्म हुआ है। बच्चों, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, आपकी साक्षी मलिक हो गई, पीवी सिंधु हो गई, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बेटियों ने अपने नाम का झंडा नहीं गाड़ा है? अब तो हमारी इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन दे रही है भाई बेटियों को, खुश हो जाओ। बेटियों को भी बराबर का दर्जा मिलता है, इवन मिलिट्री पुलिस बेटियों के लिए भी हमारे लिए आ गई है। यानी अब तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो लड़कियों से अछूता है। फिर भी पिछड़े वर्ग में अभी भी ये मान्यता है कि लड़कियां वो अभी भी सारे काम नहीं कर सकती जो एक बेटा कर सकता है, और फीमेल को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इसके लिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो जितनी भी धारणाएं हैं ये गलत हैं, और हम देखेंगे कि कैसे होता है। अच्छा, फीमेल में और मेल में कैसे बच्चे का सेक्स पता करते हैं, बिल्कुल अभी चेक करते हैं। आ जाओ, बोर्ड पे आते हैं। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था जिसे मजाक में नहीं लेना है। एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ, बेटियां हैं हमारे साथ, किसी ना किसी परिवार की बेटियां हैं जो आगे देश जाके देश की शान बनने वाली हैं, देश का गौरव बढ़ाने वाली हैं। तो आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से इसे समझेंगे, और अगर उनसे हो सकेगा तो ये मैसेज आगे भी कन्वे करेंगे कि फीमेल कभी भी ज़िम्मेदार नहीं है बेटी पैदा करने के लिए। ज़िम्मेदार कौन है? मेल्स हैं ज़िम्मेदार कि बेटी पैदा हुई है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो भी हम करा रहे हैं ये बहुत गलत है। सेक्स कट सेक्सुअल टेस्ट ही नहीं होना चाहिए, अबॉर्शंस की नौबत नहीं आनी चाहिए, फिटिसाइडल केस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटियाँ यार लक्ष्मी आ रही हैं घरों में, किसी से कम नहीं है बेटियाँ। वो देखिए ना दंगल, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के बस। आ जाओ आप सीधे। बच्चों देखो, फीमेल में क्या होता है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी वो मेल है या फीमेल, ये किससे डिटरमाइंड होता है? उसके सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, तो फीमेल में क्या होते हैं? फीमेल के लिए साइन बताए ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, और मेल के लिए ये वाला। ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या है? हमारे मेल है। चलो, फीमेल्स में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दे आर XX, और मेल्स में क्या होते हैं दे आर XY। यानी फीमेल में क्या थे? XX, मेल्स में क्या थे? XY। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, यानी इन दोनों में मियोसिस होगी, तो ये XX अलग हो जाएंगे और ये XY अलग हो जाएंगे। अब मेन मुद्दा यहीं से शुरू हो गया। देखो, फीमेल में क्या थे सेक्स क्रोमोसोम्स? XX थे। मेल्स में क्या थे? XY थे। गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फीमेल्स ने एक ही टाइप के दो क्रोमोस, एक ही टाइप के दो गैमेट बनाए, X और X। देखो, ये भी X है, ये भी X है। और मेल्स ने क्या किया? दो टाइप के गैमेट बनाए, एक X गैमेट बना और एक Y गैमेट बना। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? अभी तो गैमीट बने हैं ना, अभी फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो फ्यूजन में क्या होगा? अगर एक्स वाला इस एक्स वाले से मिलेगा, एक फीमेल, फ्यूजन क्या होता है बच्चों? एक मेल गैमीट का दूसरे फीमेल गैमीट से मिलना ही फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कहलाता है। यानी एक मेल गैमीट का एक फीमेल गैमीट से मिलना ही फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे डेवलप करके फीटस, एम्ब्रियो और एक पूरा बेबी बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, जब ये वाला गैमीट एक एक्स गैमीट, एक एक्स एक्स फीमेल गैमीट एक्स वाले मेल गैमीट से फ्यूज करेगा तो XX बनेगा। फिर अगर एक्स वाला गैमीट वाई वाले गैमीट से फ्यूज कर दिया तो XY बन गया। फिर से ये XX बना गया, और इस ये जब इससे फ्यूज़ हुआ तो XY बनाया। अब देखो, ये क्या XX क्रोमोसोम बच्चे किस में होते थे? सेक्स क्रोमोसोम कौन बनती थी? फीमेल बनती थी। XY से कौन से बनते थे? मेल बनते थे। XX से कौन बने? फीमेल बनी। XY से कौन बने? मेल्स बने। ठीक है, तो अगर XY से मेल बन रहे हैं, और Y किससे आ रहा है?
फादर से आ रहा है, मेल से आ रहा है। वाई किससे आया, ये देखो ये रहा वाई, ये रहा वाई, और इसने क्या बनाया, मेल बनाया। और ये किससे आया, फादर से आया है। ये वाला गैमेट किससे आया था, फादर से आया था। भैया फीमेल तो एक ही टाइप के गैमेट बना रही थी, एक्स एक्स, दो टाइप के गैमेट कौन बनवा रहा था, फादर बनवा रहे थे, एक्स और वाई, और वाई ही रिस्पॉन्सिबल था एक लड़के के पैदा होने के लिए। वाई वाला गैमेट रिस्पॉन्सिबल था कि एक्स वाई मिलके एक मेल का क्रोमोजोम सेट बने, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, फादर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब लड़के के पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर, ना कि मदर। समझ में आया, वाई वाला क्रोमोजोम कहाँ से आ रहा था, फादर से, ना कि मदर से। मदर तो बेचारी एक ही टाइप के गैमेट बना रही थी, एक्स एक्स, फादर से दो तरीके के गैमेट बन रहे थे, एक्स और वाई। और यही वाला वाई वाला गैमेट आगे ट्रांसफ़र किया था तो हमारे मेल का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। समझ में आया, जिसको ये चीज़ समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ बच्चा पार्टी अब हमारी ध्यान रखेगी कि आप जिसको भी ये एक्सप्लेन कर पाओ, कहीं भी ऐसा होते हुए देखो जहाँ फीमेल्स को ठहराया जाए, बेटी पैदा होने के लिए जिम्मेदार फीमेल्स को ठहराया जाए, वहाँ बिल्कुल खंडन करो इस बात को। और ये कॉन्सेप्ट उन्हें ज़रूर समझाओ कि फीमेल मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटी पैदा होने के लिए। जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है, मेल्स हैं। फादर से वाई गैमेट आ रहा है और मेल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कभी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फीमेल कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है बेटी पैदा होने के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर्स। क्यों, क्योंकि फीमेल से तो एक्स एक्स ही आना था, एक ही टाइप का, दो टाइप का किसके आ रहा था, फादर से आ रहा था, एक्स और वाई। जब उसने एक्स वाला, फादर ने एक्स वाला क्रोमोसोम दिया तो बेटी बन गई, वाई वाला दिया बेटा बन गया। कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, फादर। बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको किसी को अगर आप समझा पाएं तो ज़रूर समझाएं, ठीक है। माहौल बड़ा गंभीर हो गया है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं गंभीर माहौल में, गमगीन माहौल में अपने बच्चों को। बच्चों मेरे कैडेट्स, चार लाइनें तो पहले ही हो गई थी, अब बस यही कहना है कि जोश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे फोड़ के आएंगे ना पेपर, वो मेरे साथ क्या करेंगे, बिंगो। जितने पेपर फोड़ने वाले हैं, दे विल डू बिंगो विद मी, ठीक है, क्लियर। चलो, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल और लाइक का टारगेट, ठीक है। लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट ले लो। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।